नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग फ्रेम सेट में कॉलम को डिफाइन कर लिया, रो को डिफाइन कर लिया, आइए डियर हम लोग बात करते हैं मिक्सिंग फ्रेम सेट की। बात करते हैं मिक्सिंग फ्रेम सेट का मतलब होता है हम लोग कॉलम के अंदर कॉलम और रो के अंदर रो, या रो कॉलम और कॉलम को सिर्फ डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, इसे हम लोग मिक्स कोडिंग करेंगे। मिक्स कोडिंग का मतलब पहले कॉलम को डिफाइन कर लें, फिर रो को डिफाइन कर लें, फिर दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके से कुछ बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग कुछ बात करते हैं, और आज यहाँ पे हम लोग मिक्सिंग करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, बस इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमने HTML ओपन कर लिया, फ्रेम सेट लगाया, कॉलम्स के लिए दिया, या हम पहले हमने यहाँ पे रो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप देना चाहते हो उसको आप दे सकते हो। हमने यहाँ पे कॉलम्स दे दिया, ओके, हमने क्या दे दिया, कॉलम्स दे दिया, ओके, चलिए कॉलम्स हो गया। अब क्या करना है डियर, बात करना है यहाँ पे कॉलम्स के बाद हमको यहाँ पे रो डिफाइन कर लेना है। हमने यहाँ पे रो डिफाइन कर लिया, ओके, फ्रेम सेट रो, फ्रेम सेट रोज इज इक्वल टू चलिए कॉलम हो गया, रो हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रेम सेट को डिफाइन कर लें, क्या करेंगे, फ्रेम सेट को डिफाइन कर लें। चलिए फ्रेम सेट क्या डिफाइन करेंगे, SRC फर्स्ट नेम, SRC इज इक्वल टू फर्स्ट नेम क्या हमने डिफाइन कर लिया, फर्स्ट नेम यहाँ पे डिफाइन कर लिया, फर्स्ट नेम डाटा HTML, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, फिर हमने फ्रेम सेट को डिफाइन कर लिया, फिर हमने क्या किया, फ्रेम सेट को डिफाइन कर लिया, फ्रेम सेट SRC इज इक्वल टू सेकेंड नेम, डॉट एस्टिमल ओके, डॉट एस्टिमल। चलिए इस तरीके से फ्रेम सेट को हम बंद कर देंगे। फ्रेम सेट को हमने क्लोज कर दिया। फ्रेम सेट जैसे हमारा क्लोज हुआ, अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, अब कॉलम के लिए डिफाइन कर लेंगे, फ्रेम SRC इक्वल टू थर्ड फ्रेम .html, .html,
ओके चलिए फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे फ्रेम एस आर सी, इक्वल टू फोर्थ फ्रेम डॉट एचटीएमएल, ओके इतना करने के बाद फिर हमने क्या किया, फ्रेम सेट को बंद कर दिया। फ्रेम सेट क्लोज हो गया, एचटीएमएल क्लोज हो गया, क्या किया एचटीएमएल क्लोज कर दिया। ओके इसको हम सेव करते हैं और सेव करके इसको रन कराते हैं, बिल्कुल देखते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट हमें मिलता है। डेस्कटॉप पे हमने सेलेक्ट कर लिया रवि राहुल एंड रोहन डॉट एच टी एम एल, चलिए देखते हैं रन करा के, देखते हैं यहाँ पे मिक्सिंग हमको यहाँ पे फ्रेम सेट मिलना है। हमने यहाँ पे देखिए मिक्सिंग फ्रेम सेट बना दिया। ओके नो प्रॉब्लम, इस तरीके से हमने मिक्स कर दिया। मिक्स का मतलब देखिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, हमारा कॉलम फॉर्मेट था, हमने कॉलम में रो को भी ऐड कर दिया। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये चार आपके कॉलम बन गए। इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए।